उधर रूस के विदेश मंत्री ने ब्रिटेन के यूक्रेन को यूरेनियम वाले हथियार देने का विरोध किया। उन्होंने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून को कमजोर करने वाला फैसला बताया और ब्रिटेन को चेतावनी दी कि ऐसा करके वो अपने लिए मुसीबत मोल ले रहा है, क्योंकि रूस का कहना है कि ब्रिटेन के यूक्रेन को यूरेनियम वाले हथियार देने से अंतर्राष्ट्रीय कानून कमजोर होगा, क्योंकि यूरेनियम वो तत्व है जो रेडियो एक्टिव है और परमाणु हथियारों में इस्तेमाल होता है। आसान शब्दों में कहें तो रूस ने ब्रिटेन पर यूक्रेन को परमाणु हथियार देने का आरोप लगा दिया। वहां के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव ने इस बात पर ब्रिटेन को चेतावनी भी दे डाली। हालांकि पुतिन ये बात जानते हैं कि ब्रिटेन यूक्रेन को डिप्लीटेड यूरेनियम वाला गोला बारूद दे रहा है, जिनका इस्तेमाल वो चैलेंजर 2 बैटल टैंकों में करता है। ब्रिटेन दावा करता है कि उसके ये टैंक दुश्मन के आगे कभी भी फेल नहीं हुए और उसके चैलेंजर 2 बैटल टैंक रूस के टैंकों से कई गुना ज्यादा हैं। यूक्रेन से पहले ब्रिटेन ये टैंक ओमान को भी दे चुका है और उसके इसी टैंक में डिप्लीटेड यूरेनियम का इस्तेमाल होता है। ये होता तो यूरेनियम ही है, लेकिन परमाणु हथियारों में इस्तेमाल होने वाले यूरेनियम से कम रेडियो एक्टिव होता है, मतलब कम खतरनाक होता है, लेकिन कई मिसाइलों में डिप्लीटेड यूरेनियम का इस्तेमाल होता है। और ब्रिटेन भी चैलेंजर 2 बैटल टैंकों में यूरेनियम के इस टाइप का इस्तेमाल करता है, जिसका रूस ने विरोध किया। पुतिन ने खुद कहा कि ब्रिटेन की यह हरकत रूस बर्दाश्त नहीं करेगा, जबकि ब्रिटेन का कहना है कि वो जिस तरह के यूरेनियम वाला गोला बारूद यूक्रेन को देगा उसका परमाणु हथियार से कोई लेना देना नहीं है। रूस के बयान का ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने जवाब दिया और उन्होंने ये साफ कर दिया कि डिप्लीटेड यूरेनियम एक अलग तरह का तत्व है जिसका परमाणु हथियारों से कोई लेना देना नहीं है, और रूस जानबूझकर तिल का ताड़ बना रहा है, जबकि वो ये जानता है कि ब्रिटेन के टैंकों में डिप्लीटेड यूरेनियम का कई दशकों से इस्तेमाल हो रहा है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने रूस पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया, क्योंकि डिप्लीटेड यूरेनियम नेचुरल यूरेनियम का बचा खुचा हिस्सा होता है जो ठोस अवस्था में मिलता है और टैंक से दागे जाने वाले गोलों के किनारे पर लगाया जाता है। इधर दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को 5 अप्रैल तक जेल में रहना होगा। अदालत में सुनवाई के दौरान आबकारी घोटाला मामले में ईडी ने उनकी हिरासत नहीं मांगी, जिसके बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 5 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। 17 मार्च को दी गई 5 दिनों की रिमांड खत्म होने के बाद ईडी ने सिसोदिया को कोर्ट में पेश किया था। उधर यौन शोषण के मामले में गिरफ्तारी की खबरों के बीच पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा बढ़ा दी गई। न्यूयॉर्क में मौजूद ट्रंप टावर के नीचे पुलिस के कई जवान तैनात नजर आए, क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिन पहले गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए अपने समर्थकों से सड़कों पर उतरने की अपील की थी, जिसके बाद पुलिस को डर था कि उनके बुलाने पर हजारों की तादाद में पहुंचे लोग हंगामा कर सकते हैं, इसलिए न्यूयॉर्क में मौजूद ट्रंप टावर की सुरक्षा बढ़ा दी गई, जिसके बाद वहां पुलिस की गाड़ियां और कई जवान नजर आए। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति पर 2006 में यौन शोषण के अलावा एक महिला को चोरी छिपे पैसे देकर उसका मुंह बंद कराने का आरोप लगा था, जिसके बाद उन्हें डर सताने लगा कि आने वाले चुनाव से पहले सरकार उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार चुनाव हारने के डर की वजह से उन्हें पहले ही जेल में बंद करना चाहती है। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में LOC के पास नवरात्र पर शारदा मंदिर का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए और उद्घाटन के बाद इस मंदिर के द्वार श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। वो एक नए युग की शुरुआत है। इस कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और BJP सांसद तेजस्वी सूर्या भी मौजूद रहे। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस को हथियारों की सप्लाई करने पर नेटो चीन पर भड़क गया। यूक्रेन जंग की शुरुआत से ही चीन रूस के साथ खड़ा है और आरोप तो ये भी लगाया जाता है कि दुनिया की नजरों से छिपाकर उसने रूस को अपने कई खतरनाक हथियार दिए, जिनकी मदद से पुतिन के सैनिक यूक्रेन में तबाही मचा रहे हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक चीन अब तक $12 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 100 करोड़ के तो सिर्फ ड्रोन ही रूस को दे चुका है। इसके अलावा उसने अपनी कई घातक मिसाइलें भी पुतिन की सेना को दी हैं। हालांकि नेटो के महासचिव का कहना है कि इस बात के अब तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन नेटो को लगता है कि पुतिन की अपील पर शी जिनपिंग ने उनकी मदद जरूर की है, क्योंकि रूस की तरह चीन की भी दुश्मनी अमेरिका समेत यूरोप के देशों से है। और ताइवान के मुद्दे पर तो चीन अमेरिका से लड़ने के लिए भी तैयार बैठा है, यही नहीं मौजूदा वक्त में उसके दुश्मनों की लिस्ट बढ़ती जा रही है और माना जा रहा है कि इसी वजह से चीन और रूस एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। इसी को देखते हुए नेटो ने चीन को चेतावनी दे दी कि वो रूस को हथियारों की सप्लाई न करे, क्योंकि ऐसा करना युद्ध को और भड़काने जैसा होगा, जिसकी जिम्मेदारी चीन पर होगी। हालांकि चीन के तेवरों से ये साफ लगता है कि वो नेटो के दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है, क्योंकि अब तक तो नेटो यह अनुमान लगा रहा था कि शी जिनपिंग ने पुतिन की मदद की होगी, जबकि चीन के राष्ट्रपति ने रूस का दौरा कर दुनिया को यह दिखा दिया कि जंग की इस घड़ी में वो पुतिन के साथ खड़े हैं और जरूरत पड़ने पर वो उनकी हर संभव मदद भी करेंगे।
उधर रूस और चीन ने नेटो के खिलाफ नए गठबंधन का ऐलान कर दिया। यह फैसला चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पुतिन के बीच रूस की राजधानी मॉस्को में हुई मुलाकात के दौरान लिया गया, जिसके तहत चीन और रूस साथ मिलकर नेटो की बढ़ती ताकत का मुकाबला करेंगे। यानी उनका मकसद नेटो के विस्तार को रोकना है ताकि उन पर कोई खतरा न मंडरा सके। यूक्रेन पर रूस के हमले की सबसे बड़ी वजह भी यही है, क्योंकि पुतिन के लाख मना करने के बावजूद भी ज़ेलेंस्की ने नेटो में शामिल होने की जिद नहीं छोड़ी, जिसके बाद पुतिन की सेना ने पिछले साल 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला कर दिया था और तभी से ये जंग जारी है। हालांकि 30 देशों के इस संगठन में शामिल होने का सपना देखने वाला यूक्रेन अकेला नहीं है, बल्कि स्वीडन और फिनलैंड भी इससे जुड़ना चाहते हैं। इसी वजह से ये दोनों देश भी यूक्रेन की ही तरह पुतिन के निशाने पर हैं और वो कई बार उन्हें अंजाम भुगतने की धमकी भी दे चुके हैं। क्योंकि नेटो में शामिल होने का मतलब यह है कि अगर रूस ने किसी एक सदस्य देश पर हमला किया तो इस संगठन के सभी दूसरे देश मिलकर उसका मुकाबला करेंगे, जिसे देखते हुए चीन ने अब रूस का साथ देने का फैसला कर लिया। यानी चीन भी उन देशों को अपने घातक हथियारों की ताकत दिखाकर डराने की कोशिश करेगा जो नेटो का हिस्सा बनना चाहते हैं, ताकि ये संगठन और मजबूत न हो सके। हालांकि पश्चिमी मीडिया का दावा है कि चीन और रूस की ये कोशिश नेटो से ज्यादा अमेरिका को रोकने की है, क्योंकि मौजूदा वक्त में अमेरिका इन दोनों देशों का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। वो यूक्रेन का साथ देकर रूस की आंखों में चुभ रहा है, तो ताइवान के साथ खड़े होने पर उसे चीन से चुनौती मिल रही है। इसी वजह से चीन और रूस नेटो के बहाने अमेरिका को कमजोर करने की फिराक में है, क्योंकि माना जाता है कि अमेरिका ही इस संगठन का अगुआ है और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी उसी के इशारे पर काम करते हैं। इधर दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6G पर विजन डॉक्यूमेंट जारी कर दिया। पिछले साल ही उन्होंने 5G लॉन्च किया था और उसके 5 महीने बाद सरकार 6G की तैयारियों में जुट गई और इसका विजन डॉक्यूमेंट जारी कर दिया। हमारी इंडस्ट्री के लिए इससे अनेक नए अवसर बनेंगे। प्रधानमंत्री ने 6G विजन डॉक्यूमेंट के साथ संयुक्त राष्ट्र के इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के एक क्षेत्रीय कार्यालय का भी उद्घाटन किया। इस बीच भारत ने जम्मू कश्मीर का गलत नक्शा दिखाने पर पाकिस्तान को SCO की एक बैठक से आउट कर दिया। भारत इस समय SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता कर रहा है, जिसने SCO में शामिल देशों की सेनाओं के स्वास्थ्य क्षेत्र में योगदान के लिए बैठक बुलाई थी। लेकिन इस बैठक से पहले ही पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर का गलत नक्शा दिखाकर भारत को गुस्सा दिला दिया, जिसके बाद उसकी ऐसी बेइज्जती हुई कि वो SCO की बैठक में शामिल ही नहीं हो पाया। क्योंकि भारत ने पाकिस्तान को दो टूक बोल दिया है कि अगर उसने नक्शा नहीं सुधारा तो वो SCO की बैठक में शामिल नहीं हो सकता। और हुआ भी वही, क्योंकि पाकिस्तान SCO की बैठक का हिस्सा नहीं बन पाया, या यूं कहें कि भारत ने उसे इस बैठक से बाहर का रास्ता दिखा दिया, क्योंकि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के गलत नक्शे को ठीक नहीं किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो SCO की एक अहम बैठक से बाहर हो गया। वैसे पाकिस्तान ने यह हरकत पहली बार नहीं की, वो इससे पहले भी SCO की एक बैठक के दौरान गलत नक्शा दिखा चुका है। और एक बार फिर पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा फैलाया, जिसका खमियाजा उसे दुनिया के सामने बेइज्जत होकर चुकाना पड़ा। SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में 8 देश शामिल हैं, जिनमें भारत, रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान, जो मिलकर यूरोप और एशिया के एक बड़े हिस्से में काम करते हैं। यही नहीं, इसे नेटो की टक्कर का संगठन माना जाता है और इस बार इस ताकतवर संगठन की अध्यक्षता भारत के पास है, जहां सेना के स्वास्थ्य क्षेत्र में योगदान पर रिसर्च करने वाली संस्था ने एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें SCO में शामिल देशों का प्रतिनिधिमंडल शामिल हुआ। भारत की ओर से पाकिस्तान को भी न्योता भेजा गया था, लेकिन पाकिस्तान ने बैठक से ठीक पहले ऐसी हरकत कर दी जिससे भारत का पारा चढ़ गया और पाकिस्तान SCO की बैठक से आउट हो गया। पाकिस्तान की सरकार ने यह तक दावा किया कि भारत ने उसे भेजा निमंत्रण ही वापस ले लिया। यानी पाकिस्तान की फिर थूथू हुई, लेकिन पाकिस्तान अपमान के बावजूद झूठ फैलाने से बाज नहीं आया, क्योंकि उसने आरोप लगाया कि भारत ने SCO की अध्यक्षता का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। मतलब रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, क्योंकि बार बार बेइज्जत होकर भी पाकिस्तान की अकल ठिकाने नहीं आ रही, जबकि पाकिस्तान के